नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे ने सबको चौंका दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप जी। जयदीप जी, विपक्ष में रहकर भाजपा पाकिस्तान का तीखा विरोध करती है और वहीं नरेंद्र मोदी अचानक पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम असल में कई बार दो बहुत ही अलग और गलत चीजों को जोड़ बैठते हैं आपस में। पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख रखना चाहिए। वो किस स्तर पर, यदि मान लीजिए वहां से जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, यदि युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है और लगातार गोलियां चल रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम गोली का जवाब तोप से देंगे। और अभी हमने हाल के कुछ समय में देखा है कि लगातार यहां से भी गोलीबारी वहां बहुत हुई। और ऐसा नहीं कि पहले की सरकारें नहीं करती हों, पहले की सरकार ने भी किया। दिक्कत यह है कि अभी बीच में जो कुछ घटनाएं हुई थी, जो भारत के सैनिकों के सिर काट के ले गए थे, तो वो उस वजह से एक भारत में जो माहौल बना था उसमें हर व्यक्ति चाहता था कि आप हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते हैं, 26/11 का हमला करते हैं, कारगिल युद्ध हमें मिल ही चुका है इतनी बड़ी त्रासदी, तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ किस तरह का रुख रखा जाए, इसको लेकर ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस और अन्य सरकारों में भी लगातार इसमें इसको लेकर विरोधाभास रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये चुन सकते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, लेकिन आपका पड़ोसी आप नहीं चुन सकते। ये पहले भी कहा जाता रहा है, इस तरह की कूटनीति को लेकर अटल जी भी कहते रहे हैं और मोदी जी ने भी हाल ही में यही कहा है। और हमारे साथ दिक्कत ये है कि इतिहास में जो 15 अगस्त 1947 में 14 को जो विभाजन हो चुका था औपचारिक तौर पर, जो हमने देखा है, भोगा है, अब हमें उसके साथ जीना हमारी मजबूरी है। जब तक कि कोई ऐसा बड़ा चमत्कार नहीं हो, जब हम तो ये भी देखते हैं कि जब बर्लिन में दीवार टूट सकती है और पूर्वी और पश्चिम जर्मनी एक हो सकते हैं, तो भारत पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकते? तो ये बात ठीक है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे भारत पाक संबंधों पर लगातार आंच आती है। जिस इतिहास के कालखंड पर खड़े होकर हम लोगों ने ये देखा है मंजर, उसके तहत तो हम मानकर चले कि भारत पाक संबंधों की जो आंच है वो इसी तरह कम और ज्यादा होती रहेगी, अच्छाई बुराई कड़वाहट मिठास उसमें होती रहेगी। कल की घटना को हमको इससे बिल्कुल अलग रखकर देखना चाहिए। अचानक प्रधानमंत्री जो वहां पर पहुंचे हैं, उनका अचानक इस तरीके से वहां पहुंच जाना, उसको सभी ने सकारात्मक स्तर पर लिया है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी भी घटना होती है जो नियमित और नीतिगत आधार पर चलने वाली कूटनीति उसको तोड़ने के लिए हमें वक्त देती है, उसको तोड़कर नए दायरे बनाने के लिए वक्त देती है और एक रीसेट का बटन एक तरीके से दबाती है। कुछ समय पहले मोदी अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की आलोचना करते हैं, थोड़ी ही देर बाद लाहौर में उतरकर शरीफ के गले मिलते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने पहला जो इशारा पाकिस्तान की तरफ किया था अफगानिस्तान में, वो उन्होंने सीधा नहीं किया था, वो अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को मधुरता के साथ आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहते। माना जा सकता है कि ये इशारा उनका पाकिस्तान की तरफ था। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि पाकिस्तान एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, जो वहां से व्यापार होता है और अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर करके, तो पाकिस्तान को उन्होंने निश्चित तौर पर जिक्र किया था। और ये हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की क्या भूमिका रही है। तो जब वो अफगानिस्तान में खड़े हैं, वहां के हितों को देखते हैं, तब वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का जिक्र उस तरीके से करते हैं, क्योंकि वैसा करना जरूरी भी हो जाता है। संदर्भ और परिप्रेक्ष्य बदलने पर निश्चित तौर पर बात भी बदल जाती है। दूसरा यह भी है कि पाकिस्तान के भीतर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो अफगानिस्तान को लेकर इस तरह का रुख अपनाती हैं। बात को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, उसमें हुआ यह है कि उन्होंने दरअसल जन्मदिन की बधाई दी है वहां से नवाज शरीफ को टेलीफोन के ऊपर, और जब उन्होंने बधाई दी है तो उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं आप यहीं पर आ जाते, आप काबुल में हैं इस वक्त, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जरूर आ जाऊंगा। मैं मानता हूं कि ये शायद इतना अचानक, इतना यकायक और इतना नैसर्गिक रूप से सब कुछ नहीं हुआ होगा, इसके पीछे पहले की तैयारी और सचिव स्तर की बातचीत और जो बैंकॉक में दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिले थे उसकी पृष्ठभूमि ने भी काम किया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जितने यकायक तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है और जमीनी स्तर पर अंजाम दिया गया है, वो स्वागत योग्य है। ये बात सही कि एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान के बारे में वो बातें कही, तो इससे ये भी पता चलता है कि उन्होंने इस यात्रा के जरिए पाकिस्तान को उसकी गलतियों के लिए माफ नहीं किया है, उन गलतियों का अफगानिस्तान में जिक्र करने के बाद वो नवाज शरीफ से वहां मिलने। यद्यपि कांग्रेस ने इस दौरे को पूर्व नियोजित बताया है, शिवसेना ने आलोचना की है, जबकि पाकिस्तान में इस दौरे को सराहना मिली है। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के मीडिया ने इस दौरे की सराहना की है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि आप किसी राजनीतिक पक्ष में बैठे हैं तो आपका विरोध करना मजबूरी हो जाती है, और विरोध के लिए विरोध करना ये भारत की राजनीति की सबसे बड़ी खराबी है। और इस खराबी का दोष केवल कांग्रेस के सर पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस द्वारा की गई तमाम जो पाकिस्तान के प्रति पहल थी, बातचीत थी, उन्होंने कहा था कि वहां के जो
विदेश मंत्री वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री यहाँ क्यों आ रहे हैं, हम उनको बिरयानी खिलाते हैं, उनको अजमेर शरीफ की दरगाह ले जाते हैं। अरे भाई अजमेर शरीफ की दरगाह वहां जाना चाहता है, उनकी आस्था है, विश्वास है, तो क्या कोई आएगा मेहमान? जैसे कल मोदी जी मेहमान बन के गए तो नवाज शरीफ एयरपोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक उनके साथ रहे, उनको अपने घर ले गए, उनकी आवभगत किया थी। तो हमारे यहाँ पर ये पूरे एशिया और मध्य पूर्व की एक तरीके से रवायत है, परंपरा है, संस्कार है कि अतिथि देवो भव को निभाया जाता है और जो मेहमान होता है उसके लिए हम लोग अपने पलक पौड़े बिछाते हैं। लेकिन जब यही कूटनीति कांग्रेस ने भी की थी, कांग्रेस का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने जम के किया था, और अभी आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लगातार विरोध किया, तो कांग्रेस तो शायद बौखला भी गई है कि ये बहुत चौंकाने वाला कदम था मोदी की कूटनीति का, और उन्होंने इस तरीके से चौंकाया कि कांग्रेस शायद घबरा गई कि इसके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं मोदी जी के खाते में ना चला जाए, इसलिए वो राजनीतिक विरोध के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि विदेश नीति कई बार राजनीतिक विरोध से परे जाकर देखी जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में मधुरता आएगी? देखिए, कोई बहुत बड़ी उम्मीद हम लगा लें कि जैसी बातें की जा रही कि हमें दाऊद मिल जाएगा, हाफिज सईद मिल जाएगा, और कश्मीर पर जो कब्जे का राग है, अलापता है पाकिस्तान, वो सबको एक राग अलापना छोड़ देगा, ये इस तरह की उम्मीदें हैं जो हमें एकदम से नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी अच्छी सुलह के रास्ते की तरफ बढ़ना है तो इस तरह के जो कदम है वो उसको निश्चित तौर पर मजबूती प्रदान करते हैं। देखिए, इससे दरअसल हुआ ये है कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं मियां नवाज शरीफ और यहां जो इतने बड़े बहुमत के साथ जीते हैं नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर संबंधों का सेतु और मजबूत हुआ है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही हो गई थी, जब उन्होंने सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था और तब नवाज शरीफ यहां पर आए थे और शॉल और साड़ी का जो आदान प्रदान उनके बीच में हुआ था बहुत चर्चा का विषय रहा था। उसके बाद वो पेरिस में मिले, अमेरिका में, तो उफा में मिले, तो ऐसा है कि ये लोग मिलते रहे हैं। इसके बीच में कुछ ऐसी घटनाएं जमीनी स्तर पर जहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन होना, या फिर यहां पर जो भारत में पाकिस्तान के राजदूत हैं उनके द्वारा अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुलाया जाना और उसकी वजह से भारत पाक में क्रिकेट के संबंधों पर, या गुलाम अली के दौरे रद्द होने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, जिसको कि केमिस्ट्री कहा जा रहा है आजकल लगातार मीडिया की भाषा में, तो दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध है, परस्पर सौहार्द है, दोनों एक दूसरे की भावभंगिमा और भाषा को समझते हैं और उनमें आपस में विश्वास है, तो किसी बड़ी घटना को टालने में यह विश्वास किसी दिन निश्चित तौर पर बड़ी भूमिका निभाएगा। हो सकता है किसी गलतफहमी की वजह से जमीनी स्तर पर दोनों देशों में कोई लड़ाई का वातावरण बने, कोई कटुता आए, दोनों ही हमें जान लेना चाहिए कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये जो बारूद बिछी हुई है इसमें चिंगारी पड़ जाए, उस चिंगारी को बुझाने में इस तरह के संबंध, इस तरह की बातचीत, इस तरह का सौहार्द निश्चित तौर पर बड़ी भूमिका निभा सकता है। विदेश नीति के नजरिए से दौरे को कैसा देखते हैं? देखिए, विदेश नीति तो निश्चित तौर पर इस तरह के अचानक दौरों को, इस तरह की जो जिसको थोड़ा सा कहा जाता है थिएटरिक्स है, जिसको थोड़ा सा ड्रामेबाजी या जिसके लिए मीडिया में प्रचार ज़्यादा मिल जाता है, जमीनी स्तर पर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती, तो विदेश नीति इन सब चीज़ों को उतना महत्व नहीं देती। विदेश नीति में भी इन चीज़ों की जगह है। इसमें कहा जाता है कि अगर आप लगातार किसी एक ढर्रे पर चल रहे हैं और कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उस ढर्रे को तोड़ने के लिए कोई एक बड़ा कदम, कोई अलग कदम, जिसको कहते हैं जिससे बर्फ पिघल जाए, जिससे पुरानी बातों को भुलाकर हम नए सिरे से बात करने को मजबूर हो जाए, वैसा कदम विदेश नीति में इसको माना जाता है। तो ये वही एक कदम है शायद कि हम वही राग अलापें कि आपने अलगाववादियों को क्यों बुलाया, फिर हम उनसे कहें कि आपने हमारे सैनिकों को वहां पर सीज फायर उल्लंघन जो किया है युद्ध विराम का, उसके दौरान आपने क्यों गोलियां चलाई, आपने ये किया, आपने वो किया बलूचिस्तान में आपने, तो मुझे लगता है कि ये सारी बातों को एक तरफ रखते हुए हम कैसे बातचीत और सुलह के रास्ते पर आगे बढ़े। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें जब भी इस तरह की भारत और पाकिस्तान की बातचीत होती है तो उसमें बहुत सारे स्वर ऐसे आते हैं कि इससे क्या होगा, पाकिस्तान का चरित्र ही खराब है, पाकिस्तान ने कभी भी हमारे साथ अच्छे संबंध नहीं निभाए हैं, करगिल जैसा इतना बड़ा धोखा जिसमें कि लाहौर बस लेकर अटल जी गए थे, और ये एक और बड़ा संयोग है कि अटल जी और नवाज शरीफ और जिन्ना जो कायदे आजम जिनको कहा जाता है उनका, ईसा मसीह का, इन सबका जन्मदिन एक ही दिन 25 दिसंबर को आता है और 25 तारीख को ही मियां नवाज शरीफ और अटल जी का जन्मदिन है और इन दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर एक बड़ी पहल की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद करगिल हो गया। तो वो जो घटनाएं हैं वो कोई नहीं भूल सकता। चीन के साथ नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और उसी चीन ने पीठ में छुरा घोंपा। तो हमें इन सब घटनाओं को, इस सबक को याद रखना चाहिए, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो चुनी हुई सरकार है और जो सेना है इसके बीच में हमेशा से एक बड़ी दूरी रही है और कई बार सेना ऐसे काम करती है जो चुनी हुई सरकार के खिलाफ हो। उसी वजह से करगिल हुआ था जब परवेज मुशर्रफ वहां पर थे, वैसा ही करगिल दोबारा ना हो इसको लेकर हमें सचेत जरूर रहना चाहिए, लेकिन उसकी वजह से बातचीत के रास्ते बंद नहीं करना।
करने चाहिए। एक बड़ी कड़वी सच्चाई ये भी है कि आखिर आप कब तक लड़ेंगे। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है, युद्ध अपने आप में खुद एक समस्या है, युद्ध अपने आप में एक बड़ी विभीषिका है, एक बड़ा नासूर है, एक ऐसा कैंसर है जिससे आप कभी पार नहीं पा सकते। युद्ध का कोई अंत नहीं है, युद्ध का अंत तो शांति है। तो जब शांति बनी हुई है तो उसको बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।